जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ हम मेरा चैनल है ऐसा के। आज हम बनाने वाले हैं चाय। ये है रेनबो मिल्क, इसके साथ हम चाय बनाएंगे। चीनी और इसमें थोड़ा सा पत्ती डालेंगे। मैं तो कड़क चाय पीती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। वीडियोस डाल रही हूँ, एक भी जो है ना दिन में नहीं बढ़ रहा है। 21 है तो सब्सक्राइब है तो 21 में है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़। और मेरे जितना हो सके मेरे आईडी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पहले भी एक मेरा और आईडी था, उसमें भी जो है ना मेरा बंद हो चुका है। किसी ने शिकायत की है कि मेरा मतलब चैनल के ऊपर रिपोर्ट किया हुआ था, तो 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा वो चैनल, मेरा हैंडल सब कुछ ख़त्म। बट ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे फॉलो करें आप लोग और सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह हम लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसे कि हम लोग की चाय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि रेमो का मिल्क में जो है ना ये क्या कहते हैं कावा चाय कड़क होना चाहिए। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हम चाय में डालेंगे। ये बहुत लोगों का सीक्रेट है, नहीं बताना चाहते कि ये रसदार है। ये चाय को इतना स्पेशल बनाता है, किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि आज चाय बनाते बनाते आपको ये सीक्रेट भी बताया जाए, ताकि आप लोग भी चाय का मजा लें। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने हैचड़ी है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। और जिसके बारे में मैंने बताया था वो हम बहुत ज़्यादा कम डालेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें आप लोग, ये बहुत कम डालेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना कलर भी आता है और ज़ाफ़रान का इतना अमेजिंग खुशबू आता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें चाय का। एक दफ़ा आप लोग को इसका लत लग गया ना तो दुआ करेंगे मुझे, ये बहुत अच्छा होता है। ये देखें चाय, इसको थोड़ा कड़क करेंगे हम लोग। ये हम लोग की चाय तैयार हो चुका है, अभी हम इसको सर्व करेंगे। और ये है मेरा रात का टी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये बहुत अच्छा होता है पीने के लिए। अभी आप देख रहे हैं मैं अभी चाय सर्व करूंगी। ये चाय इतना अच्छा बनता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत अच्छा चाय बनता है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ज़ाफ़रान का आता है। और आप लोगों को ना पीसने की ना कूटने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है। ये देखिए चाय बहुत अच्छा है, गर्म गर्म अभी हम पीते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करें।